हेलो दोस्तों, आजकल मेरी स्कूल की छुट्टी 1 बजे हो जाती है। सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम। मेरे पापा ना मेरे को चीजी दिलाएंगे और मुझे ना किंडर लाएं। देवांशी ना महंगी चीजें लेती है और मेरा किंडर गई। मेरे प्यारे पापा, हाँ रुद्दू से ना मैं नाराज हूँ। इसने ना इंग्लिश की कॉपी में हिंदी का काम कर दिया। हाँ। अब मैडम ने मुझे डांटा। ऐसा नहीं करते। हाँ, इंग्लिश की कॉपी में इंग्लिश का ही काम करना है, ठीक है? मेरे बच्चों ने आज हैंडपंप से पानी निकाला तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रुदु तेजी से, आ गया पानी, आ गया पानी, आ गया पानी। मेरी देवांशी खुश हो गई। मैं पी लूं। चले घर, चले कढ़ी चावल खाएंगे। चलो दीवान से आप भी डस्टबिन में फेंको। कहाँ है बोतल? हेलो दोस्तों, आप सबने पूछे हमसे ढेर सारे सवाल, तो आज हम देंगे उन सारे सवालों का जवाब। हाँ। और आज का ब्लॉग ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग ना काफी टाइम बाद क्यू एन ए ब्लॉग बना रहे हैं। बिल्कुल। क्यू एन ए मतलब क्या होता है राशि? क्वेश्चन एंड आंसर। यू आर सो इंटेलिजेंट। यस, आई एम रियली इंटेलिजेंट। आप ओवर एक्टिंग मत करा करो प्लीज, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी ऐसी हैं। सच में? दैट्स व्हाई आई लव यू। क्योंकि देखो, जो असली में खुश रहना सीख गया ना, वो हमेशा लाइफ में खुश रहता है। उसको किसी चीज से ये नहीं है कि अगर कोई गलत भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, कुछ कोई बोल भी रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश नेगी है और ये मेरी प्यारी सी फैमिली है। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी फैमिली से। और मेरा नाम दिवांशी है। और मेरा नाम राशि है। और मेरा नाम रुद्रदास नेगी है। और मैं ना पापा जी और मम्मी से ना बहुत प्यार करती हूँ। और मैं भी पापा मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। अरे अरे, अब रुलाओगे क्या? बहुत लोग बोलते हैं कि आपके ब्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, तो दोस्तों देख सकते हो आप, यही हमारी स्क्रिप्ट है ना? और इस ब्लॉग को हम ज्यादा एडिट नहीं करेंगे, ऐसे डाल देंगे, तो देखना आप। और ये होता है कि बच्चों को ना कुछ चीजें समझानी पड़ती है। गाइडेंस बहुत जरूरी है। हम लोग भी जब छोटे थे ना, तो हमारे माँ बाप ने भी हमको कुछ ना कुछ सिखाया है। ये नहीं कि हम पैदा हो गए सीधा बोलना सीख गए, ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या? अगर आप सोचो तो पूरी दुनिया ही स्क्रिप्टेड है, और अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे तो सब कुछ ही नेचुरल है। yes. तो वो नजरिया है कि कोई कैसे देख रहा है, कैसे सोच रहा है ना? और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्टेड होता है ना, वो ज्यादा लोगों को रियल लगता है। हाँ। और जो रियल होता है वो लोगों को फेक लगता है। बिल्कुल, ये मेरा कहना है। आई टोटली एग्री विद यू राशि, सच बता रही हूँ। यू आर सच अ सच अ लवली लेडी। मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं, जो ब्लॉग के टाइटल में होता है वो ब्लॉग के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल है ना? और हम ऐसा नहीं करते, और हम लोग ना ऐसा कभी नहीं करते। और कई बार तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती भी हूँ कि ऐसा टाइटल लिख दो, लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, जो रियल है वही हम लिखेंगे। मतलब एटलीस्ट हमारे वीडियो से वो मैच करे, है ना? सो मेरी देवांशी जरा दूसरे कमरे में चली गई है, और उसके बगैर मुझे क्यू एन ए नहीं करना है, तो मैं बुला रहा हूँ उसको। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल है। पूरी दुनिया, एटलीस्ट हमारी यूट्यूब फैमिली जानना चाहती है कि हमारी यूट्यूब इनकम क्या है, क्या तनख्वाह उनको मिलती है यूट्यूब से, है ना? और बहुत से यूट्यूबर और बहुत से ब्लॉगर हैं जो यूट्यूब इनकम के बारे में वीडियो बनाते हैं, लेकिन बताते नहीं है। और वीडियो के एंड में क्या बोलते हैं कि यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, हम नहीं बता सकते हैं। अरे भाई, जब नहीं बता सकते हो तो वीडियो के टाइटल में क्यों लिख रहे हो? बिल्कुल, है ना? दोस्तों, जस्ट मजाक कर रहा था, लेकिन करते हैं ऐसे कई लोग। मुझे पता है कि काफी एक्साइटमेंट रहती है, काफी मतलब लोग जानना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है ना, मोटिवेशन मिलता है। हम आपको अपनी YouTube इनकम बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट बताएंगे, पाई पाई बताएंगे। और लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि YouTube की जो इनकम होती है ना, हर मंथ अलग अलग होती है। किसी मंथ 20,000 मिलती है, तो किसी मंथ 50,000, किसी मंथ 1,00,000, तो किसी मंथ 2,00,000, 50,00,000। हाँ, तो दोस्तों आज है 9 मई, दोस्तों आज है 9 मई, है ना, 9 मई 2024। और हमारी जो तनख्वाह है ना, 1 मई से 9 मई, मतलब 9 दिन की। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग खुद ही हिसाब लगाना कि हमको 1 महीने में कितनी मिलेगी। और हमने ना 9 दिन में 5 ही ब्लॉग डाले होंगे, 4 या 5। देखो,
ये बिल्कुल रिफ्रेश हो रहा है और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 9 मई तक मेरी सैलरी है 21,000 yes. है ना ये yes. 9 दिन की है और पिछले अप्रैल में मुझे मिली थी 80,000 और मार्च में मुझे मिली थी 95,000 है ना, इससे पहले मुझे 1,00,000 के आसपास भी मिल रखी है। दोस्तों ये रही हमारी यूट्यूब इनकम, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दोस्तों 1 मई से 9 मई तक हमारी तनख्वाह है 21,000। दोस्तों ये मई की इनकम है और आज है 9 मई, तो ये ना 1 मई से 7 मई तक की इनकम है, मतलब 7 दिन की, और अभी भी 2 दिन प्रोसेस में है, तो हमको एक हफ्ते में 21,000 रुपये मिले है ना, ये हमारी सैलरी बनी है। तो देखते हैं 1 मंथ में कितना होता है। ये ना हर यूट्यूबर के लिए अलग अलग इनकम होती है, क्योंकि हमारे वीडियोस को ना ज़्यादा लंबे समय तक देखा जाता है, इसलिए हमारे कम व्यूज़ भी आते हैं ना, तब भी इनकम अच्छी बनती है। दोस्तों हमने आपको अपनी सैलरी बता दी है और बस यही है, बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर के सैलरी मिलती है, कहीं भी फ्री नहीं मिलता है। पहले ऑफिस जाता था वहाँ भी सैलरी मिलती थी है ना, तो यही है। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आप हमारे बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी सुनना, भागना मत। तो दूसरा है कि अविनाश क्या आप यूट्यूब के अलावा कोई और जॉब भी करते हो? तो नहीं, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है दोस्तों, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी है और मैं यूट्यूब में ही हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, फेसबुक में हूँ, और हमारी फैमिली मतलब हमारी पूरी फैमिली, और हम लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं और इसी में मैं आगे आगे देख रहा हूँ। मैंने रिस्क लिया है लाइफ का, बट मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और राशि, मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं, तो बस ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे साथ है। और बाकी फ्यूचर मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है ना, बिल्कुल। अगर मैं जॉब करता तो शायद वो कंपनी भी बंद हो सकती थी है ना, तो अगर यूट्यूब कभी बंद हो जाता है तो कोई ना कोई दूसरा रास्ता खुलेगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि हमारे बच्चों में एज गैप कितनी है? तो देवांशी है 4+ और रुद्रांश है 6+। 4+ का है यार, देवांशी 3+ है। सॉरी, अपने बच्चों का पता नहीं है तुम्हें यार आज। दोस्तों मेरे दोनों बच्चों में 3 साल का गैप है, देवांशी है 3+ और रुद्रांश है 6+ है ना, ये 7 साल का होने वाला है सितंबर में, देवांशी 4 साल की होने वाली है सितंबर में। अगला कमेंट है, क्वेश्चन है, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू। सबका अपना अलग अलग अंदाज है, देवू रुद्धू को जो भी आपने सिखाया है वो उससे कहीं बढ़कर करते हैं, लव यू बच्चा, आपकी मेहनत दिखती है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगला है, हाय आई एम प्रेरणा, मैं संगली महाराष्ट्र से आपकी वीडियो देखती हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप वर्क फ्रॉम होम से क्या काम करते हो और यूट्यूब से ब्लॉग कैसे अपलोड करते हो? हम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं करते हैं, मैंने अपना ऑफिस छोड़ दिया है, तो अभी तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक है और हम लोग बस ब्लॉग्स बनाते हैं। हम अपने यूट्यूब वीडियो नॉर्मली फ़ोन से बनाते हैं, कभी गोप्रो से, और वीडियोज अपलोड सिंपली करते हैं हम, जैसे करते ही हैं, और एडिटिंग करता हूँ मैं अपने लैपटॉप से, मेरे पास मैक है, एप्पल का लैपटॉप है, और कभी कभी फ़ोन से भी मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। अगला कमेंट है, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत लोग आपको डिमोटिवेट कमेंट करते हैं, मतलब गंदे कमेंट करते हैं, प्लीज़ आप लोग डिमोटिवेट मत होना और ब्लॉग्स बनाते रहना, रोज आपके ब्लॉग्स देखकर अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू अनन्या, अनन्या प्रकाश, थैंक यू सो मच। बिल्कुल हम डिमोटिवेट नहीं होते। क्या जी? हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं। मुझे लगा मोटिवेट नहीं होते। थैंक यू अनन्या प्रकाश, उनका ही कमेंट है। और कभी कभी इंसान है हम लोग, कभी बुरा लगता है, लेकिन इतने मजबूत बन गए हैं कि अब जो गंदे कमेंट होते हैं फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। और हमारे लिए बोलते हैं ना तो हमें इतना ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, लेकिन कभी ना बच्चों के लिए गलत बोलते हैं, बच्चों के लिए क्या तो वो थोड़ा दिल पे लगती है कि हम मतलब बच्चे तो इतने छोटे हैं, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, अरे कहीं कोरोना है नहीं, मैं ये नहीं बोलती, जो गंदे कमेंट करते हैं वो करने दो यार। आप लोगों को मैं स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, आप लोग बाबा जी का ठुल्लू बोलना, ठीक है? बाबा का ठुल्लू, हाँ, अब अभी बोलना, मैं आप सभी को ना स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, आप सभी को ना बाबा जी का ठुल्लू बोलना है, ठीक है? हाँ, रुको, जो हमारे बच्चों को गंदे कमेंट करता होगा, जो गलत कमेंट करता है, उसको क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू, बाबा का ठुल्लू, ठुल्लू मिलेगा, तो ठुल्लू।
हाँ अगला कमेंट है, क्या आपने रुद्रांश और देवांशी के भविष्य के बारे में सोचा है? प्लीज पिक माय क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए, और बिल्कुल हमने इनके भविष्य के लिए सोचा है, और जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ और उन सभी बच्चों के लिए भी कर रहा हूँ जो आगे क्रिएटिव बनना चाहते हैं। yes. हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सोचता है यार, है ना। सो थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन जो कि रिया ने लिखा है, आई थिंक आप देवांशी 3 साल की हो गई है, आपको उसे स्कूल में डालना चाहिए, यह सही टाइम होता है। वैसे मेरी फैमिली को आपके ब्लॉग्स काफी अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू रिया, कईयों के नाम नहीं आ रहे हैं बट कईयों के आ रहे हैं ना। थैंक यू सो मच। देवांशी को हम ना अगले साल डालेंगे स्कूल में, जब वो 4 साल कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने पहले से सोचा था, मैं बहुत जल्दी स्कूल में नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार सभी भीड़ चाल करते हैं ना, 2-3 साल में डाल देते हैं स्कूल में, यार नहीं 4-5 साल में ही डालना चाहिए स्कूल में, सही रहता है। अगला क्वेश्चन काफी बड़ा है। हेलो अविनाश एंड राशि जी, मेरा नाम वंदना है, मैं यूपी झांसी से हूँ, आपका चैनल लास्ट 3 ईयर से रेगुलर देख रही हूँ। आपके ब्लॉग में कुछ स्पेशल नहीं है, फिर भी मेरी पूरी फैमिली डेली देखती है डिनर के टाइम। एक मिडिल क्लास फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस एंड प्रॉब्लम होती है, आपके ब्लॉग में वही सब है, इसीलिए कुछ स्पेशल ना होकर के भी आपकी फैमिली अपनी सी लगती है। लॉट्स ऑफ लव टू देवांशी। एक क्वेश्चन, हाँ आपके लिए भी प्यार भेजा है। एक क्वेश्चन है कि आप लोग अपने घर कब जाएंगे, क्योंकि वहाँ के ब्लॉग भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच वंदना जी, हम ना गाँव जरूर जाएंगे, लेकिन शायद इस साल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना आपके प्यार और आशीर्वाद से हमको ना इस साल बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रैवलिंग प्रोजेक्ट्स मिल रखे हैं। तो हमको ना वो ट्रैवलिंग करनी है, ताकि हम कुछ फाइनेंशियली कमा भी सकें। तो इस बार जरा मेहनत करनी है, और जब हम मेहनत करते हैं तो थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ों को हम सेक्रीफाइस भी करते हैं। अगर हम अभी गाँव चले गए तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यही टाइम है जब हमको कमाना है, मेहनत करनी है, और जब हम मेहनत करते हैं तो कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। yes. जैसे रात को पढ़ाई करेंगे तो नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, है ना। अगर नौकरी करना है तो कई बार हमको घर पे लेट जाना पड़ता है ना, मतलब दूर रहना पड़ता है घर से, तो वो भी सेक्रीफाइस ही हुआ ना। तो जरा इस बार मेहनत करनी है, और हम लोग काफी एक्साइटेड है yes. आगे आने वाली ट्रैवलिंग के लिए। आप yes. लोग हो yes. अगला क्वेश्चन है कि आप अपने ब्लॉग में बस खाना खाते हुए दिखाते हो। अच्छा, खाना दिखाते हो। सो कुछ कहना चाहते हो? देखो, जब कोई खाता है खाना तभी तो गाता है वो गाना। दोस्तों, हम लोग खाना ना दिखाए तो क्या दिखाए, क्योंकि दिन सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दिन में आते हैं, फिर हम लोग खाना ही दिखाते हैं खाते हुए, और फिर हम सो जाते हैं दोपहर में ना। मैं तो नहीं सोता, ये सो जाती है, और फिर मैं क्या ब्लॉग बनाऊं। मुझे तो खाना खा के इतनी मस्त नींद आती है, तो मैं सो जाती हूँ आराम से, इसीलिए। और बाकी जब ट्रैवलिंग होता तो हम करते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, जितना हमारे बजट में आता है मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ ना। मुझे मेरे बच्चे ना ट्रैवलिंग में चाहिए, इसीलिए मैं इनके साथ ही जाता हूँ, अकेले मैं ब्लॉग नहीं बनाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन, सो क्यूट, मुझे आपसे एक बार मिलना है, कब वो दिन आएगा? बिल्कुल जरूर वो दिन आएगा, आपने सोच लिया, वो दिन जरूर आएगा, बहुत ही जल्दी आएगा। ये मानसी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन पीयूष ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, आई एम राइटिंग क्वेश्चन, विल यू रीड माई क्वेश्चन? माई क्वेश्चन इज, आई हैव आंसर्स। भगवान जी, इतने अच्छे क्यू एन ए के लिए थैंक यू। नाइस, चलो, नाइस क्वेश्चन पीयूष।